एक पंजाबी मूवी आई है मस्ताने, वैसे इसे आप हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड मलयालम में भी देख सकते हैं। यह मूवी 1739 की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसकी कहानी उस समय की है जब ईरान के तत्कालीन शासक नादिर शाह ने भारत को लूटा था और लोगों को गुलाम बनाकर बेचने के लिए पकड़ लिया था। बट उत्तरी पंजाब के रास्ते ईरान लौटते समय नादिर शाह का सामना जब सिख योद्धाओं से होता है, तो वही सिख योद्धा नादिर शाह के सैनिकों के छक्के छुड़ा देते हैं और अपने लोगों को बचा लेते हैं। लेकिन नादिर शाह को ऐसा लगता है कि इसमें लाहौर के शासक का हाथ हो सकता है। तभी नादिर शाह लाहौर के शासक से यह जानना चाहता है कि सिख कौन है। बस आपको यह जानने के लिए यह पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी को जिस तरीके से पर्दे पर उतारा गया है, सेटअप एंड गेटअप के साथ प्रेजेंट किया गया है, इस तरीके का प्रेजेंटेशन बॉलीवुड में बहुत कम देखने को मिलता है। इस मूवी को बनाने में करीब 5 साल लग गए हैं और देखने से लगता भी है, क्योंकि इसमें छोटी सी छोटी बातों को बड़ी बारीकी तरीके से दिखाया गया है। चाहे वो 18वीं शताब्दी की वेशभूषा हो, बोलचाल हो, सेटअप हो, हर तरीके को दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। यही खास बात है इस मूवी को, जो इस मूवी को खास बनाती है दोस्तों। और इस मूवी को IMDb ने रेटिंग भी 9.1 दी है, जो कि एक जबरदस्त रेटिंग है दोस्तों। काबिले तारीफ काम किया है डायरेक्टर साहब ने इस मूवी में। और इन सब के बीच आपको एक बहुत सुंदर सी प्रेम कहानी भी चलती दिखाई देगी, मतलब आपको देखने को मिलेगी। वो भी वाकई में काबिले तारीफ है। इसमें खासकर सिख समुदाय को दिखाया गया है, उनकी वीरता को दिखाया गया है दोस्तों। तो आप इस मूवी को एक बार तो देख ही सकते हैं दोस्तों। वाकई में भाई लाजवाब मूवी है। अगर भाई आप लोगों ने देख ली है तो आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने नहीं देखी है वो भी कमेंट कर सकते हैं हमारे इस वीडियो पर। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब तो दोस्तों बनता ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय दोस्तों।